यह गुमला का करमटोली गांव है, जहां पर जल मीनार बनने के बावजूद भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल दशहरा के समय इस जल मीनार का काम खत्म हो चुका था, मगर उसके बावजूद भी हमें पानी नहीं मिल रहा है और हमें पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। गर्मी आने के समय हमें कहीं भी पानी प्राप्त नहीं होता है और जिसके लिए हमें कई परेशानियां भी उठानी पड़ती है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया और वहां के जो मौजूद मुखिया जी थे उनसे बातचीत की। फिर उन्होंने जूनियर इंजीनियर को फ़ोन किया और अगले ही दिन यह दोबारा काम चालू हुआ, मगर कुछ दिनों काम चलने के बाद वह काम फिर से ढिलाई में चलता रहा। मगर धीरे धीरे जैसे ग्रामीणों ने मुझे फ़ोन करते रहे, फील्ड में आकर जांच पड़ताल करते रहे, उसके बाद काम ख़त्म होने के बाद एक दिन फिर हम वहां के जो कर्मचारी लोग थे उनसे बात की और उन्होंने कहा कि आज पानी चालू हो जाएगा, मगर तब भी वैसा नहीं हुआ क्योंकि पाइप में कुछ लीकेज होने की वजह से वह नहीं हो पाया उस दिन। लेकिन अगले दिन जैसे ही मैं फील्ड पर गया और उसके बाद मैं उन कर्मचारियों से मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज हम चालू कर ही देंगे। तो उन्होंने वह पानी उस दिन चालू किया। और इस पर ग्रामीणों ने क्या कहा तो आइए सुनते हैं। पानी का समस्या था, वीडियो बना कर दिया तब अभी आ रहा है पानी। पानी का समस्या था, सबको तो बहुत दिक्कत होता था। तो किसने मदद किया इसके लिए नीलू जी? आप वीडियो बना कर ऊपर भेजे तब वहाँ से वही मदद। तो उसके बाद ठीक हो गया था? वीडियो बनाने के बाद ठीक तो नहीं हुआ, फिर भी दो तीन मतलब फोन किए तब फिर वापस अभी यही आज आया आदमी लोग, फिर मिस्त्री सबको बुलाए आया तो फिर पानी चालू किए। अच्छा नीलू जी, अगर गर्मी में पानी नहीं मिलता आप लोग को तो कितना दिक्कत बना होगा? दिक्कत तो बहुत होता है, हम लोग दूसरे का घर से लाते हैं पानी, उसके बाद पीते हैं, सारा काम करते हैं, बहुत दिक्कत होता है। ऐसे हम जान ही रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या है पानी का। हमने इसके लिए मिस्त्री से ही बात की जो वहाँ पे काम कर रहे थे, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। तो आपका क्या प्रयास रहा, इसमें कैसे चालू हुआ ये? पहले हमने टंकी का काम दूसरा किया था, पानी चालू निकासी पाइप देने वाला दूसरे थे, हम वहाँ फोन किए लालटेनगंज के मिस्त्री, वही बताया कि ऐसा कीजिए नहीं का थ्रू से हम उसको कनेक्शन हटा के दूसरे कनेक्शन में जोड़ दिए तो पानी अभी चालू है। पानी आ गया तो इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। ये पानी चालू हो गया तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा था, पानी आ रहा है। तो कहाँ से पानी भरती थी डेली? और वहाँ से भरते थे। दिक्कत होता था कि नहीं? लगभग एक से डेढ़ महीने के प्रयास के बाद ग्रामीणों को पानी मिल पाया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम ऐसे ही जमीन से जुड़े मुद्दों को आपके साथ साझा करते रहेंगे और उनके बदलाव के लिए काम करते रहेंगे। मैं आशीष, अभी झारखंड से।